अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस। और आज हम देखने जा रहे हैं पॉपकॉर्न्स, और हमारा सफ़र शुरू हुआ जाता है फिर से। वो खूबसूरत खुश पहाड़ एकदम खुश खूबसूरत मंज़र ये है कि वो देखें अल्तीत फोर्ट, यार क्या खूबसूरत बनाया है इन्होंने। और इसका लैंडस्केप चेक कर रहे हैं, कितना प्यारा है। पीछे वाइट पहाड़ बर्फ़ वाले, उसके बाद मिट्टी वाले, और फिर ग्रीन कहीं कहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक कितना खूबसूरत बनाते हैं। और शायराए रेशम से हम जा रहे हैं अब मंजिल की तरफ। लेट्स गो। जलजला है ना, उसमें कुदरती तौर पे ऐसे हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, समझ नहीं आया। ये हम पहुंच गए हैं तबादले, कि इसको देखने के लिए उतरे हैं। सुना है कि एक बस्ती थी जो कि पानी के अंदर दब गई और पानी ऊपर आ गया, तो स्टोरी है इसकी। टिकटॉक स्टार नहीं तो क्या हुआ, टिकटॉक हम फिर भी बनाते हैं। ऑल दो इस लेक की स्टोरी बड़ी ख़तरनाक थी, लेकिन ये खूबसूरत स्टिल दिखने में बहुत खूबसूरत थी और बहुत पीसफुल लग रही थी। रात के टाइम यकीनन बहुत खौफनाक होते होंगे, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं इसका पानी ही कितना खूबसूरत है। वो रही आहिस्ता आहिस्ता ये ब्राउन से मिट्टी वाले पहाड़, पत्थर वाले पहाड़ हटते जा रहे हैं सिंपल, और ये कॉन्स नज़र आती जा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है ये। जैसे जैसे हम करीब जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है हम बस करीब जा रहे हैं, लेकिन हम बस जा ही रहे हैं। यार ये बस दिखने में करीब है, ये करीब आ ही नहीं रहे। एक और मज़ेदार बात ये है कि साथ ही जो दरिया बह रहा है, दरिया कुनार नहीं है, आज जो भी दरिया है इसका पानी काले जैसा पानी है, जिसका नॉर्मल पानी होता है ब्लू या ग्रीनिश, नहीं ये काला पानी था, डरावना पानी। और हम यहाँ थोड़ा सा हमने स्टे लिया है, यहाँ हम थोड़ी सी करेंगे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, और फिर हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये मैं और हुज़ैमा शशके मारते हुए, हर कोई अपनी तस्वीरों में लगा हुआ है, अपनी अपनी दुनिया में। और इस ट्रिप में मीशो और मेरे लिए सबसे मज़ेदार चीज़ थी ये गाना, बहुत मज़ा आया। पूरे रास्ते हम दोनों इसको एंजॉय करते रहे और बाकी सब इससे इरिटेट होते रहे, बहुत मज़ा आया। क्या ही फिट लोकेशन है इस होटल की, लक्स हुंजा नाम तो सुना होगा। और अब हम जाने लगे हैं इस गुफा के अंदर, ओह माय गॉड। इंतहाई खूबसूरत टनल्स बनी हुई हैं रास्ते में, और पेंटिंग हुई हुई है बहुत ही खूबसूरत किस्म की, अभी आपको दिखाती हूँ। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर, चेक करें, बेहतरीन, वेरी नाइस। बहुत ही बड़ी टनल्स हैं, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा। काफ़ी लंबा सफ़र था यहाँ का भी, लेकिन स्टिल बहुत सेफ और अच्छा था, नाइस है। चलो रोशनी आने वाली है, और अफ्रीका रोशनी आ गई। बहुत प्यारी जगह थी कि यहाँ हमने स्टे किया, क्योंकि हम कॉन्स के चक्करों में हमारी कॉन बन गई है, थक गए हम, लेकिन पासू कॉन खाने का नाम नहीं है, बुरा काला पानी। चलो
मज़ेदार पकोड़े, समोसे और चाय और बहुत सी चीज़ें खा लेने के बाद हमने फील किया हमें घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ये तो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा यार। हमें नहीं देखनी कौन, हम अपनी कौन ही देख लेंगे। बस भाई बहुत हो गया, जिसको ज़्यादा शौक हो गूगल कर लिया खुद चला जाए। वैसे भी इतना पास जाके कौन देख के क्या करना है इतनी देर से इस लंबे रास्ते। असल में सुनने में आया आगे रास्ते बंद हैं, तो बाकी करीब जाके जगह कुछ इस तरह से दिखाई देती। काश हम जा सकते हैं, लेकिन इट्स ओके। आप भी ज़रूर जाएं, ज़रूर विज़िट करें अपने पसंदीदा मौसम। हम तो रास्ते में भी इंजॉय कर लेते हैं, लेकिन आप ज़रूर मंजिल तक पहुँचेगा। अल्लाह हाफ़िज़।